ऐसी पर्सनालिटी की, बॉलीवुड सेलिब्रिटी की, जो इस समय काफी इमोशनल है। और हो भी क्यों ना, जब बात किसी की माँ पर आती है तो इंसान का इमोशनल होना लाजमी है। राखी सावंत की माँ, जी हाँ, राखी सावंत की माँ कैंसर ट्रीटमेंट ले रही है। अभी हाल ही में राखी सावंत को बिग बॉस पर देखा गया था, जिसमें वो काफी एंटरटेनिंग थी। इस शो के दौरान वीडियो कॉल के थ्रू उन्होंने अपनी माँ से बात भी करी थी और हमने देखा था कि उनकी माँ काफी बीमार है। बावजूद उसके वो इस शो पर थी, लोगों को एंटरटेन किया। इस शो के दौरान वो काफी बार इमोशनल हुई भी है, बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो आइए आज जानते हैं राखी सावंत के बारे में। उनका एक जो वर्किंग ग्राफ रहा है बॉलीवुड में, उनका जो एक योगदान रहा है, कैसे वो एक नॉर्मल लड़की से एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी बनी है, आज हम देखेंगे अपने इस रिपोर्ट में। राखी सावंत, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन। जी हाँ, राखी सावंत को कॉन्ट्रोवर्सी में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। राखी सावंत ने बॉलीवुड में कई सारे आइटम सॉन्ग्स किए हैं और एक टाइम पे वो काफी बोल्ड एंड हॉट एक्ट्रेसेस में से एक हुआ करती थी। राखी सावंत की माँ इन दिनों बीमार है, उनके कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसके इन्फॉर्मेशन खुद राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की थी और अपने फैंस से अपने माँ के लिए दुआ करने को भी कहा है। अभी रिसेंटली राखी सावंत को बिग बॉस में देखा गया था, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को काफी एंटरटेन किया है। यहाँ तक कि खुद बिग बॉस ने अपने शो की सुधरी हुई टीआरपी का क्रेडिट राखी सावंत को दिया था, जिसे सुनने के बाद राखी काफी भावुक भी हो गई थी। बिग बॉस में वो जूली बन के सबको एंटरटेन किया करती थी, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे थे और खुद बिग बॉस के मेकर्स ने भी उनके इस कैरेक्टर को अप्रिशिएट किया था। बिग बॉस के सेट्स पर भी राखी सावंत ने अपनी माँ से बात की थी, जिसमें उनकी माँ उन्हें सपोर्ट करती नजर आई और राखी फूट फूट कर रो रही थी। हालांकि 14 लाख रुपए लेकर शो छोड़ दिया और हमने उन्हें ये भी कहते सुना कि इन पैसों से वो अपनी माँ का इलाज करवाना चाहती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान राखी सावंत ने अपनी लाइफ से जुड़ी बहुत सारी सीक्रेट्स रिवील की हैं। राखी सावंत, जिनका असली नाम है नीरू भेड़ा। जी हाँ, राखी सावंत का असली नाम है नीरू भेड़ा। 25 नवंबर 1978 में उत्तर प्रदेश के आगरा में उनका जन्म हुआ था। वो एक बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। उनकी माँ एक आया थी और उनकी कमाई से घर के खर्चे भी पूरे नहीं हो पाते थे। राखी का एक गाना बहुत फेमस हुआ परदेसिया, जिसमें पहली बार राखी सावंत ने सर्जरी करवाई थी। वहाँ से शुरू हुआ राखी सावंत का आइटम गर्ल बनने का सफर। एक से एक आइटम सॉन्ग्स करने के बाद और कई सारी मूवीज में काम करने के बाद वो बन गई बॉलीवुड की आइटम गर्ल। राखी सावंत नच बलिए का भी हिस्सा रह चुकी हैं, जिसमें वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक अवस्थी के साथ नजर आई थी। बाद में इनके रिश्ते का एंडिंग काफी सुर्खियों में भी रहा था। शादियों के मामले में राखी हमेशा से अनलकी रही है, ऐसा उनका मानना है। राखी का स्वयंवर में भी उन्हें देखा जा चुका है, जिसमें उन्होंने कनाडा बेस्ड बिजनेसमैन इलेश से शादी भी की थी। राखी सावंत को ऐसे ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन नहीं कहा गया है, चाहे वो पाकिस्तान के फ्लैग के साथ फोटो लेना हो या फिर दीपक कलाल के साथ उनकी शादी की बातें। सुर्खियों में रहने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ती है। बिग बॉस के सेट्स पे हमने उन्हें ये भी कहते हुए सुना कि उनका पति यानी कि रितेश कभी मीडिया के सामने नहीं आएगा और वो फूट फूट के रो रही थी। ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद उन्होंने शादी ही नहीं की है और रितेश नाम का उनका कोई पति ही नहीं है। शो में वो काफी एंटरटेनिंग रही, बावजूद उसके कि इनकी माँ बीमार चल रही है। कहीं ना कहीं बॉलीवुड के इस इंडस्ट्री में राखी खो चुकी थी। ना ही सिर्फ उन्होंने बिग बॉस को एंटरटेनिंग बनाया, बल्कि अपनी एक खोई हुई पहचान को भी वापस पा लिया। हम सब उनकी माँ के लिए दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। राखी के फैंस और हम सब यही दुआ करते हैं कि उनकी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बॉलीवुड के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। देखते रहिए सिनेमा के लिए मेरे यानी श्रद्धा के साथ माय भारत पर।